अभी तक हम जस्टिफिकेशन के कुछ टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं, जैसे एक्सटर्नलिज्म एंड इंटरनलिज्म, और हम कुछ थेरीज की भी बात कर चुके हैं ऑफ जस्टिफिकेशन, सच एज फाउंडेशनलिज्म एंड कोहेरेंटिज्म। और आज हम बात करेंगे अबाउट द फॉलिबल नेचर ऑफ जस्टिफिकेशन। हमारे जो बिलीव्स होते हैं उनके काफ़ी डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं, सच एज परसेप्शन, रीज़न, होप, फेथ, विशफुल थिंकिंग। ये सारे हमारे बिलीव्स के कॉजेज़ या सोर्सेज बन सकते हैं। लेकिन इवन दो ये हमारे बिलीव्स के कॉजेज़ बन सकते हैं, इट डज़ नॉट मीन दैट द बिलीफ इज़ जस्टिफाइड। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सफिशेंट रीजनिंग पेश कर सकते हैं बिलीव्स, क्योंकि फॉर एग्जांपल जो विशफुल थिंकिंग से आते हैं वो इसलिए जस्टिफाइड नहीं है बिकॉज विशफुल थिंकिंग डज़ नॉट मेक अ बिलीफ मोर लाइकली टू बी ट्रू। जस्टिफिकेशन का जो सोर्स होता है वो एक रिलायबल बेसिस या एक रिलायबल फाउंडेशन, एक रीजनिंग होती है फॉर दैट बिलीफ। और इवन दो जस्टिफिकेशन एक रिलायबल सोर्स हो सकता है, इट डज़ नॉट मीन कि ये बिलीफ नेसेसरीली ट्रू होगा, इट जस्ट मेक्स इट मोर लाइकली टू बी ट्रू। जस्टिफाइड बिलीव्स भी कभी कभार दे कैन टर्न आउट टू बी फॉल्स। हम अब चार डिफरेंट सोर्सेज ऑफ बिलीफ की बात करेंगे, एंड ईच ऑफ दीज सोर्स एज वी विल सी इज़ फॉलेबल इन नेचर। पहला सोर्स ऑफ बिलीफ है मेमोरी। मेमोरी हमेशा रिलायबल नहीं होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट यू डू नॉट रिमेंबर समथिंग इन योर पास्ट डज नॉट मीन इट डिड नॉट हैपन। इट कुड हैव हैपन्ड, बट सिंपली आप अभी उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे। सेकेंडली, अगर आप कुछ रिमेंबर करते हो, डज दैट गारंटी दैट इट हैपन्ड द वे यू रिमेंबर इट। हम अपनी मेमोरी में काफ़ी चीज़ों को डिस्टॉर्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से वी डू नॉट एग्जैक्टली रिमेंबर एवरीथिंग एग्जैक्टली द वे इट हैपन्ड। इसी चीज़ की वजह से फिलोसोफर्स डिस्टिंग्विश करते हैं बिटवीन रिमेंबरिंग एंड सीमिंग टू रिमेंबर। जब आप एक्चुअली किसी चीज़ को रिमेंबर करते हो अपनी मेमोरी में एग्जैक्टली द वे इट हैपन्ड, तब यू आर जस्टिफाइड इन बिलीविंग दैट थिंग। लेकिन व्हेन यू सीम टू रिमेंबर दैट थिंग, दिस डज नॉट जस्टिफाई बिलीविंग दैट थिंग। द प्रॉब्लम इज दैट रिमेंबरिंग एंड सीमिंग टू रिमेंबर ऑफ्टन फील द सेम टू द पर्सन जो कोशिश कर रहा होता है टू रिमेंबर। काफ़ी बिलीव्स इन्फ्लुएंस का प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। व्हेन यू यूज़ रीजन टू कम टू बिलीव, जो आपने जस्टिफिकेशन यूज़ की है वो इन्फ्लुएंशियल होती है। हेंस इन्फ्लुएंशियल जस्टिफिकेशन इज इक्विवेलेंट टू लॉजिकल जस्टिफिकेशन। लेकिन हर टाइप की इन्फ्लुएंस गारंटी ट्रुथ नहीं कर सकती है। जैसे इंडक्टिव रीजनिंग, विच इज़ द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ बिलीव्स, ये तभी प्रॉबेबल होती है जब आप इसको सही से करते हो, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के थ्रू आप इंडक्टिव रीजनिंग करते हो। इसके अलावा पीपल ऑफ्टन मेक मिस्टेक्स इन रीजनिंग। जस्ट बिकॉज समवन रीजन देयर वे टू अ बिलीफ डजंट मीन देयर रीजन वेल। बट अगर हम एक मोमेंट के लिए ज्यूम कर भी लेते हैं कि एक बंदा है, उसने एक बिलीफ फॉर्म किया यूजिंग डिडक्टिव रीजनिंग विच कैन गारंटी ट्रूथ एंड दे रीजन वेल एज वेल, इज इट स्टिल पॉसिबल कि इनका बिलीफ जो इन्होंने होल्ड किया या जो फॉर्म किया है वो फॉल्स हो? यस, क्योंकि डिडक्टिव रीजनिंग इनपुट्स लेता है कुछ बिलीव्स के और फिर उन्हीं बिलीव्स, उन्हीं इनपुट्स की बुनियाद पर कंक्लूजन्स निकालता है थ्रू स्टेप्स। तो इवन आप अगर गुड इंडक्टिव रीजनिंग यूज़ करते हो, अगर तो प्रेमिसेस ट्रू हों लेकिन जो आपने इनपुट बिलीव्स डाले हैं वो फॉल्स बिलीव्स हों, देन यू विल अराइव एट द रॉन्ग कंक्लूजन, इवन दो आपने डिडक्टिवली जो रीजनिंग की है उसके प्रेमिसेस सही थे। इस केस में इवन गुड डिडक्टिव रीजनिंग कैन नॉट गारंटी द ट्रुथ। बिलीफ का एक और सोर्स टेस्टिमनी होता है। टेस्टिमनी यूजली कंसिडर्ड की जाती है समथिंग दैट ओनली हैपन्स इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, लेकिन फिलोसफी में ये जो टर्म है टेस्टिमनी, इट इज़ यूज्ड मच मोर ब्रॉडली। टेस्टिमनी हम किसी भी अटरेंस को कह सकते हैं जो स्पोकन या रिटन हो, विच अकर्स इन नॉर्मल कम्युनिकेशन कंडीशन, सच एज न्यूज़ मैगजीन में आपने कुछ पढ़ लिया, आपने किसी किताब में पढ़ लिया, आपने पर्सनल ब्लॉग कोई पढ़ लिया, आर्टिकल पढ़ लिया, या कोई लेक्चर लिया, या ओपिनियन जो आपने दोस्तों से शेयर किया, जो सारी कैजुअल कॉन्वर्सेशंस की चीज़ें होती हैं। इफ़ यू इनहेरिट योर बिलीफ बेस्ड ऑन दैट, देन द सोर्स ऑफ दैट बिलीफ इज़ टेस्टिमनी। टेस्टिमनी हो सकता है ऑफ्टन अ रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और ये जस्टिफाइड भी हो सकता है। बट इवन व्हेन जस्टिफाइड, दोज बिलीव्स कुड बी फॉल्स, क्योंकि जिस इंसान की आपने टेस्टिमनी ली है, फॉर एग्जाम्पल किसी साइंस एक्सपर्ट से आपने कुछ सुना है कि अच्छा ये साइंटिफिक फैक्ट है, विच यू हैव नाउ कम टू मेक अ बिलीफ अबाउट, उस इंसान के ऊपर भी वही वीकनेसेस ऑफ जस्टिफिकेशन लग रही हैं जो हम इस सेक्शन में कवर कर रहे हैं। लास्टली, परसेप्शन को भी हम यूज़ कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ जस्टिफिकेशन। परसेप्शन में वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है जो हम अपनी सेंसेस से रिसीव करते हैं, अपने स्मेल, टेस्ट, टच, साइट, हियरिंग। हाउएवर, हम हमेशा परसेप्शन वाले बिलीव्स को कंसिडर नहीं कर सकते कि ये ट्रू हैं, एज द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉलेज बाय एक्विंटेंस शोज। रेजल का इस बारे में मानना था कि हमारे ऑटोमेटिकली जस्टिफाइड बिलीव्स गेन फ्रॉम परसेप्शन सिर्फ हमारे एग्जिस्टेंस ऑफ सेंस डेटा के बारे में हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर मैं अपनी विंडो के बाहर देखता हूँ कि एक चिड़िया बैठी हुई है एक ब्रांच के ऊपर,
तो मेरे पास नॉलेज बाय एक्विंटेंस के थ्रू सिर्फ एक्सपीरियंस ऑफ सीइंग द बर्ड का नॉलेज है कि अच्छा आई एम ऑलमोस्ट सर्टन थ्रू माय परसेप्शन कि मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ एक बर्ड को देखना, इट सीम्स टू मी दैट देयर इज़ अ बर्ड. लेकिन मैं इस सेंस डेटा की बुनियाद पर यह जस्टिफाई नहीं कर सकता कि देयर इज़ एक्चुअली अ बर्ड आउटसाइड माय विंडो. इस बिलीफ को फॉर्म करने के लिए मुझे किसी और बिलीफ के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा या अपनी परसेप्शन की रिलायबिलिटी के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा. आई बिलीव दैट आई कैन ओनली गेट बाय इन्फरेंस, स्पेसिफिकली इंडक्शन. मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से रीज़न करूँगा कि अच्छा आई बिलीव दैट माई परसेप्शन इज़ रिलायबल टू द जनरल बिलीफ दैट इट इज़ रिलायबल. एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर इंडक्शन भी फॉलेबल है. वेन एवर वन मूव्स फ्रॉम नॉलेज बाई एक्विंटेंस टू फर्दर बिलीव्स देर इज़ रूम फॉर एरर. अब तमाम फिलोसफर्स एग्री नहीं करते कि परसेप्चुअल बिलीव्स मेडिएटेड होते हैं थ्रू सेंस डेटा. इस व्यू को कहा जाता है डायरेक्ट रियलिज्म, जो कहता है कि पीपल हैव डायरेक्ट एक्सेस टू ऑब्जेक्ट्स इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड विया परसेप्शन. अभी जो हमने बात की थी अबाउट द बर्ड एग्जाम्पल एंड अबाउट व्हाट रसेल सेड, उसका ये कहना था कि आप जब कुछ एक्सपीरियंस करते हो यू कैन ओनली नो कि आपको लग ऐसा रहा है कि आप एक चिड़िया को बाहर देख रहे हो, बट यू कैन नॉट एक्चुअली नो कि क्या आपकी विंडो की दूसरी साइड पर एक चिड़िया ब्रांच के ऊपर एक्चुअली बैठी हुई है नहीं. डायरेक्ट रियलिज्म इसका ऑपोजिट है. वो कहता है कि हमारे पास डायरेक्ट एक्सेस होता है टू ऑब्जेक्ट्स इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड विया परसेप्शन. इवन दो डायरेक्ट रियलिज्म ये कहता है कि हम डायरेक्टली परसीव कर सकते हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड को एज इट इज़, ये स्टिल गारंटी नहीं करता कि बिलीव्स सही हैं जो हम इसके बारे में होल्ड करते हैं, क्योंकि हेलूसिनेशंस एंड इल्यूजंस आर स्टिल पॉसिबल. इल्यूजंस फंक्शन करते हैं एज एविडेंस कि परसेप्शन समटाइम्स रियलिटी को मिस रिप्रेजेंट करती है. और इवन डायरेक्ट रियलिस्ट को ये मानना पड़ता है कि एक पॉसिबिलिटी है कि हमारे जो बिलीव्स हम जो सेंस परसेप्शन से गेन करते हैं वो गलत हो सकते हैं. Hence, sources of belief, even though they are usually justified, are nevertheless fallible in nature. और ये possibility के जो subject है जो belief hold कर रहा है वो गलत हो सकता है. This gives rise to philosophical skepticism, the view that knowledge in some or all domains is impossible.